अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की मैथमेटिक्स है और इसका चैप्टर नंबर 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो इसको हम करेंगे, इसके मैं आपको बताऊंगी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो आप कर लेना, इंशाल्लाह आपका ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीट हो जाएगा उससे। और इसके जो पिछले चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पहले बता चुकी हूँ, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 4 की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सबका लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास से जी चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 की सबसे पहले हमारे पास आती है जी एक्सरसाइजेस की 4.1, और इसके जितने भी फार्मूलाज हैं आपने उसको कर लेना है। एक तो इसके ये वाले फार्मूलाज हैं, यहाँ पर पेज नंबर आपके पास 83 पे हैं, इनको आपने कर लेना है, ये दोनों इनको कर लेना है, फिर आपने इन फार्मूलाज को कर लेना है, ठीक है। इसके जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना ये 1, 2 इनको आपने कर लेना है, ये जो 3 पे ये वाले फार्मूलाज हैं इनको आपने कर लेना है, ठीक है। तो फार्मूला सबसे इसमें ये जितने भी हैं ये 4, ठीक है, इन सबको आपने कर लेना फार्मूलाज को, क्योंकि जब आपको फार्मूलाज आते होंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं यहाँ पर इसके जो एक्सरसाइज है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 जो आपके पास है इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, ये तो आपके पास आ सकता है, बस ऑब्जेक्टिव में ही आ सकता है कि आपने बताना है कि इसमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। ये मैं मतलब पूरा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ जो मेरी 4.1 एक्सरसाइज है उसको जब मैंने सॉल्व किया था, तो ये सारा आपको बताया था उसमें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, 1 और 2 दोनों जो हैं वो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आप क्या कर लेना कि इसका पार्ट नंबर 7, 8 ये आप लोग कर लेना, क्योंकि ये थोड़े से मतलब कि इम्पॉर्टेंट है तो इनको आप कर लेना। और इसका फिर जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका भी, इसका एक जो ये वाला पार्ट है इसको भी आप देख लीजिएगा, बी पार्ट इसको देख लीजिएगा आप। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके सारे क्वेश्चंस इन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के भी सारे क्वेश्चंस जो हैं इनकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी आपके पास है एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 के जो शुरू वाले क्वेश्चंस हैं ये तो जस्ट सिंपल फार्मूलाज अप्लाई करके आपने सॉल्व कर लेने हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो इसमें से आप कर लेना इसके इसका 4th क्वेश्चन जो है इसको आप कर लेना, इसका ये सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट आप कर लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व कर लेना, और बस आप ये कर लें तो आपके बाकी सारे जो हैं वो बीच में ही आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका आपने करना है, आप इसके जो आगे आ रहे हैं ना 7 से ऑनवर्ड आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने ज़रूर करना है, इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक कोई आपके पेपर में लाजमी आएगा, तो इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। तो इनमें से आप अगर 1-2 की भी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको समझ लग जाएगी कि आपने कैसे करने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। तो एक्सरसाइज 4.3 जो है इसके जो हमारे पास बाकी शुरू वाले क्वेश्चंस हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो मैंने पार्ट बोला है इसी की आप प्रैक्टिस कर लेना, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट है तो ये बहुत छोटा सा मतलब कि एक क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने देखा है कि ये पास्ट पेपर्स में ये आया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप कर लेना। उसके अलावा इसका जो 4th और 5th पार्ट है इसको भी आप कर लेना, सही है। उसके बाद आप आ जाएं एक्सरसाइज 4.4 पे।
तो एक्सरसाइज 4.4 इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आप कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना इसके थर्ड, फोर्थ और एट्थ पार्ट की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास जस्ट सिंपल सा ऑब्जेक्टिव टाइप अगर ले लें तो वैसा आपके पास है। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस हैं, बहुत हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो इनकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। और ऑब्जेक्टिव का मैं बार बार आपको बताती हूँ कि ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के पेपर में मोस्टली ऐसे होता है कि रिव्यू एक्सरसाइज में सही आ जाता है, तो आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। और बाकी मैंने आपको 4.1 से लेके 4.4 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बता दिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकेंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।